नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर जहां पे ऑप्शनल प्रेजेंट है तो ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए उसके लिए सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सारे मेरे पास डेली मैसेज आ रहे हैं आजकल। अब देखिए, बेसिक जो रेफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, UPPSC और BPSC, क्योंकि इसमें एक एक ऑप्शनल है। इस पे कौन सा ऑप्शनल लेना है और कैसे लेना है, क्या क्या फैक्टर देखने हैं, ये सब कुछ। कोई भी ऑप्शनल अगर मैं आपको बता दूं, देखो दो तीन टाइप के ऑप्शन होते हैं। एक तो वो हो गया जो एवरग्रीन ऑप्शनल है, यानी कि उसमें आपको ऑप्शनल में भी फायदा है, तो आम के आम गुठलियों के दाम वाला है वो, कि मतलब आप ऑप्शनल वाला पढ़ोगे तो आपको वहां भी फायदा होगा और प्लस GS में भी फायदा होगा, प्लस SA में भी फायदा होगा और प्लस इंटरव्यू तक फायदा होता है उसमें। ठीक है, ऐसे ऑप्शनल कौन कौन से हैं? ऐसे ऑप्शनल हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये चार जो हैं ऑप्शन, मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी देर एनालाइज किया, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था ये सब चीज़ें, तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो चार ऑप्शनल है बहुत ही शानदार ऑप्शनल है और इसमें थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, मतलब इन चारों को कम्प्लीट करने के लिए आपको कम से कम 5 महीने, 4 से 5 महीने तो चाहिए। तो पहले तो ये वाले ऑप्शन हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा आउटपुट भी यही देते हैं, क्योंकि इनका जो है हिस्ट्री देखिए GS का पार्ट भी है, ज्योग्राफी जो है वो GS का पार्ट भी है, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इनमें जो पॉलिटी वाला है प्लस जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब उसका पार्ट हो गया, GK का पार्ट हो गया। तो बहुत इसमें आउटपुट मिलता है और बहुत आपका दिमाग खुलता है और आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा नॉलेज आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा दिमाग खुलता है और उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन, मतलब 360 डिग्री जो आपका होता है कि आप हर चीज़ों को हर तरीके से सोच सकते हैं कि क्या कैसे कौन क्या कहाँ क्या वे फॉरवर्ड है सब कुछ। तो ये वाले ऑप्शन अगर आपको लेने हैं तो आप बिल्कुल ये वाले लीजिएगा। पहला तो मतलब क्लास बता रहा था, तो ये एवरग्रीन ऑप्शन होगा। दूसरा क्लास होता है, छोटे ऑप्शन होते हैं UPPSC जैसे एग्जाम में। जैसे छोटे ऑप्शन कौन कौन से हो गए, एक हो गया सोशल वर्क, एक हो गया डिफेंस, एक हो गया सोशियोलॉजी, एक हो गया साइकोलॉजी। तो ये वाले जो कुछ क्लास है बहुत छोटे से हैं, मतलब ज़्यादा सिलेबस, एक एंथ्रोपोलॉजी वाला भी, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है और इनको आराम से 2 से 3 महीने में कवर किया जा सकता है। ठीक है, नोट्स वोट सबके मिलते हैं। और फिर तीसरा वाला जो ऑप्शन हो गया, जो बिल्कुल लीक से हट गए हैं, जहाँ पे या तो आप एक्सपर्ट हैं बहुत, जैसे आप मैथ आपने बहुत ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी आपको पता है ये चीज़। देखिए, अपनी जो आप किस लिमिट में, आप किस पानी में हैं, अपने से अच्छा कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो आपको अगर ये एनालाइज करिए कि आपको ये लगता है कि आप जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे ऑप्शन लेने से एक चीज़ नुकसान है कि इसका जो है ये GS में फ़ायदा नहीं करेंगे। इवन जो सेकंड क्लास वाले मैंने बताया आपको, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, डिफेंस, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ये भी थोड़ा थोड़ा आपको GS में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाले ऑप्शनल है थर्ड क्लास वाले, यानी कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इसमें बहुत पद्धति बहुत करनी पड़ेगी। और अगर मतलब आप एकदम इन सब, मतलब अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, आपको इनमें से कोई महारत नहीं है कि मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग ऐसी जहाँ पे GS कॉमन नहीं है, तो फिर आप मेरे हिसाब से मत लीजिएगा इनको। ठीक है, मेरा पर्सनल राय है, अगर आप पढ़ने से ही ये सब चीज़ों में बहुत निपुण हैं, आप IES सिलेक्टेड हैं और वो किसी ब्रांच से आपने किया हुआ है और आपको पहले से सब कुछ पता है, तब भले ही ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो थर्ड क्लास वाले ऑप्शनल है, मतलब ये थर्ड वैसे थर्ड क्लास नहीं है यार, आप ये बस समझिएगा मैं ये टाइप 3 बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई थर्ड क्लास नहीं है, इसमें भी बहुत नंबर मिलते हैं, नंबर तो आपको देखिए बहुत मिल ही जाएंगे आप अगर किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो। तो ये 3 टाइप के हो गए और तीसरे वाले में मेरे हिसाब से तो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें GS का फायदा नहीं होता है और उसके लिए पढ़ना तो पड़ता ही पूरा। अब देखिए, कोई ऑप्शनल चूज़ करते टाइम आपको क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ये कि वो अवेलेबल है कि नहीं, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कि वो अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि क्या उसके टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, मतलब टेस्ट सीरीज सॉल्व, मतलब उसका जैसे आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, अब उसका इंग्लिश वाला मीडियम का मटेरियल तो मिल जाता है, लेकिन हिंदी वाला नहीं मिलता है, बहुत ही मुश्किल में मिलता है और बहुत ही रेयर, मतलब बहुत अच्छा क्लास क्वालिटी का नहीं है उसमें। ठीक है, फिर दूसरी बात है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका तो मिल जाता है, इंग्लिश हिंदी सबका मिल जाता है, हिस्ट्री का बिल्कुल मिल जाता है, ज्योग्राफी का मिल जाता है। ठीक है,
तो पहली चीज जो है अवेलेबिलिटी, दूसरी चीज ये है कि आप जब जीएस पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, जीएस वीएस पढ़ना चालू किया आपने, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ये सब कुछ, ठीक है, तो इसमें आप डिसाइड करिए कि एक्चुअली आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आपको कौन सी चीज में बहुत मजा आता है, और जिसमें आपको बहुत मजा आता है मतलब मजा इस बात, देखो पढ़ाई में तो मजा आता ही नहीं है यार किसी बात में, पहली बात तो यही सबसे बड़ी बात है, मजे का मतलब यह है कि आपको इंटरेस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप होती है, आप उसमें कुछ फंस जाते हैं तो आप मतलब निराश हो जाते हैं, बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं ये तो करना ही है, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है मतलब जैसे आप मान लीजिए आपको पुराने जो लोग हैं मिडिवल में क्या सिस्टम होता था, मॉडर्न क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आती है, ठीक है, तो आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए और ये आपको खुद पता होता है, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो आप हिस्ट्री लीजिए। तो दूसरा जो फैक्टर हो गया वो हो गया इंटरेस्ट, पहला फैक्टर क्या था कि वो अवेलेबिलिटी उसकी है मार्केट में कि नहीं, उसका पूरा स्टडी मटेरियल है मार्केट में कि नहीं, उसकी टेस्ट सीरीज है मार्केट में कि नहीं, और दूसरा है कि इंटरेस्ट, तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या वो फीजिबल है, फीजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि क्या आपने जो ऑप्शनल है, अभी तो चलो यूपीपीएससी में नहीं भराया जाएगा लेकिन बीपीएससी में तो भराया जा रहा है ना, तो उसमें आपको अभी से सोच के भरना पड़ेगा। अब उसमें ये देखिए फीजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, सबसे पहले होता है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ लेंगे आप एक बार, लेकिन पढ़ने से नहीं होता है काम, पढ़ने में तो सिर्फ आपको आधी चीज से भी कम क्लियर हुई, मेन चीज होता है राइटिंग प्रैक्टिस, भैया जी कब करेंगे बहनी जी, तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। तो ये जो फिजिबिलिटी में ये सब फैक्टर चीजें आ गई, मतलब कि आपने उसको मान लीजिए एक दो महीने का है, जैसे सोशल वर्क है, सोशल वर्क से एग्जाम्पल लेते हैं, सोशल वर्क को एक महीने में पढ़ के राइटिंग प्रैक्टिस के साथ मेरे हिसाब से किया जा सकता है, डिफेंस है उसको एक महीने के अंदर पढ़ के पूरा और प्लस राइटिंग प्रैक्टिस के साथ आराम से किया जा सकता है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें होंगी। और जैसे हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री को ऐसे नहीं पढ़ सकते आप, हिस्ट्री में बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ती हैं, और वो भी जो जीएस वाली चीज़ है वो तो ठीक है, लेकिन ऑप्शनल के लिए अगर आप उस लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी अच्छी बुक्स की स्टडी करनी पड़ेगी और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जो तीसरा वाला फैक्टर है कि फीजिबिलिटी, अगर मान लीजिए आपका आपने प्री तक कुछ नहीं पढ़ा और यूपी पीसीएस का मेंस एक महीने बाद है, एक दो महीने बाद है, तब तो छोटा ऑप्शन ही लेना पड़ेगा, तो इसमें ये एनालिसिस करनी पड़ती है फीजिबिलिटी में कि आप उसको कर पाइयो कि नहीं कर पाइयो, ये वाली बात है। और कर पाइयो का मतलब है कि आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ कर पाएंगे कि नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए लास्ट में फिर ये होता है कि आप जब ऑप्शनल मतलब आपको मान लीजिए लेना ही है कोई, तो इससे बेटर ये भी कि आप मान लीजिए फाइनलाइज कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये वाला लेना है ऑप्शन कोई भी एक्स वाई जेड, तो आप उसके पुराने सालों के पेपर देखिए पहले। आप देखिए यूपी पीसीएस में पेपर नहीं मिलते हैं जैसे वो जो उल जलूल टाइप के सब्जेक्ट हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सब एक्चुअली कोई लेते नहीं है, 5-10 लोगों ने लिया, वो लोग पेपर ही नहीं देते हैं कहीं, तो मतलब नहीं इंटरनेट पर नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत ढूंढे नहीं मिलते हैं सब। तो आप इसका क्या करिए कि इसका एक बढ़िया सबसे तरीका ये है यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए कि आप उसको यूपीएससी वाले जो पेपर हैं पुराने सालों के उससे देखिए, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सेम ही है। मैंने देखा है कई, ये मेरी खुद की एनालिसिस है कि मेंस में भी जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं जो ऑप्शन वाले जो लोग पेपर देते हैं, बहुत सारे लोग वो यूपीएससी को ही फॉलो करते हैं, यूपीएससी वाले क्वेश्चन ही रिपीट कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ देखिए आप कि आप वो वाले क्वेश्चन पेपर देखिए कि आपको उसमें से कितना आता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप। और दूसरी बात सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग प्रैक्टिस, ये मतलब आपके नंबर का करीबन 60% से ज़्यादा जो वेटेज यही है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर बहुत ही मुश्किल है, या तो आप बहुत ब्रिलियंट होंगे और या फिर आप मतलब एक्स्ट्रा टैलेंटेड होंगे कि आपको सब कुछ रिटेन रहे, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से अगर यूपी पीसीएस का देखिए जैसे 28 अक्टूबर को है, सब कुछ ठीक रहा तो 28 अक्टूबर को हो जाए और बढ़िया चीज़ है, उसके बाद मेंस वाला जो एग्ज़ाम होगा मेरे हिसाब से, कोई मुझे पता वता नहीं है ये सब चीज़ों के लिए, एक मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूँ ये बात कि कम से कम जनवरी एंड तक तो नहीं होगा मेंस, जनवरी एंड तक कम से कम, ये कम से कम बोल रहा हूँ, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने आपके पास पूरे हैं, ठीक है। आप आराम से अगर अभी ऐसे फोकस करके चले कि जीएस वाला जो बेस है प्लस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, ये अभी से कर लो जीएस वाला, ठीक है, जीएस वाला अगर आप अभी से कर लोगे ये सब चीज़ें तो फिर आपके पास बाद के लिए क्या क्या छोड़ो, वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दो, एथिक्स छोड़ दो, ठीक है, ये दो देखो जीएस में जो मेन चीज़ क्या है, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है,
तो वो पढ़ना पड़ेगा आप, लेकिन वो प्री में नहीं आएगा तो अभी मत पढ़ो उसको, बाद में पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री आप बाद में छोड़ दो, जरा सी है वो, प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली हिस्ट्री, प्लस थोड़े बहुत और सोसाइटी वाले टॉपिक्स हैं, वो सब हम लोग बाद में कर सकते हैं एडिटोरियल पढ़ के, तो उसकी कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा सब। आप अभी फोकस करिए कि ये कि आप जीएस का आधार ऐसा बनाइए कि आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फैक्ट्स भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखिएगा, और यही सब फैक्टर होते हैं। कोई भी चीज़ आपको अगर ऑप्शनल लेना भी है तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा अपना खुद कि आप जो लिख रहे हैं वो ठीक हो रहा है कि नहीं, मतलब उसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं, तो वो मैं बाद में वीडियो बनाता रहूँगा ऑप्शनल के लिए। और ऑप्शनल का हम यूट्यूब में सोशल वर्क के पूरे वीडियोस कंप्लीट करेंगे, डिफेंस वाले पूरे कंप्लीट करेंगे, पहले भी काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, उनको मुझे फिर से बस रिवाइज करना है बस, ठीक है। और पेड ग्रुप जो चालू होगा मैं करूँगा चालू सोशल वर्क और डिफेंस का, ठीक है। एक हमारा पेड ग्रुप चल रहा है सोशियोलॉजी का, उसमें लेकिन इंग्लिश मीडियम में है वो, इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट कोर्स है वो, और आपको उसमें पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, प्लस 12 टेस्ट सीरीज़ हैं उसमें, सबका पर्सनल इवेल्युएशन कर रहे हैं हमारे जो एडुकेटर हैं, एक एक चीज़ मार्क करके कि इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना चाहिए था, इस क्वेश्चन में ये, तो ऐसे, ठीक है। प्लस हम और भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास और भी एडुकेटर आ सकें, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो और हमारा ये सब देख रहा हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसने UPSC या फिर UPPSC मेंस वेंस लिखा हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, पढ़ा सके अगर वो, तो हमारे से ज़रूर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर है 7838692618, प्लीज़ व्हाट्सएप में मुझे हाय हेलो सॉरी थैंक्स ये सब, या फिर अपनी फोटो वोटो मत भेजा करिए, मैं उसको नहीं देखता हूँ, मैं देखते ही डिलीट कर देता हूँ। और प्लस मुझे फॉरवर्डेड मैसेज, ये करो नहीं तो वो हो जाएगा, लंका जल जाएगी, ये हो जाएगा, इन सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मैं मुद्दे वाले जो लोग मैसेज करते हैं मैं उन्हीं का रिप्लाई करता हूँ, ये बात आप समझ लीजिए। अगर कोई जेन्यून आपको है तो आप कभी भी कर सकते हैं, रिप्लाई मिलेगा कम से कम 1-1.5 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन के लिए ये सब चीज़ें देख लीजिए, और प्लस कोई भी ऑप्शन आप लीजिए, मेरी आपसे सलाह मानिए ये कि आप ये वाला वीडियो देखने के बाद जो भी ऑप्शन आपको लेना है उससे पहले थोड़ा सा गूगल पर रिसर्च करिए, टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए कि उसने कौन सी बुक पढ़ी, उसने कौन सी बुक पढ़ी, उसने किसके नोट्स पढ़े, या फिर अगर आपको किसी भी ऑप्शनल का अगर आपको चाहिए कि मैं पूरी एनालिसिस करके आपको बता दूं कि बेस्ट बुक्स कौन सी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सोशल वर्क डिफेंस तो मैं खुद कर दूंगा, इसलिए उसके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं, सब मैं कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सोशियोलॉजी वाला मेरे चैनल में पूरा पढ़ा हुआ है, आप पूरे वीडियो देख सकते हैं उसके, ठीक है, फ्री में वीडियोस हैं, और बाकी आप पेड ग्रुप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ तो हैं, बाकी अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के लिए पता करना है कि कौन सी बुक, मैं पूरी एनालिसिस करके उस छोटा सा वीडियो बना के कि ये चीज़ें पढ़ो आप ऐसे ऐसे पढ़ो, तो मैं बता दूंगा, ठीक है, ये एक बात है। प्लस फॉरेस्ट वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं मटेरियल अरेंज कर रहा हूँ अभी, एक्चुअली दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, तो मेरे इधर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर पानी वानी भरा हुआ है तो निकल नहीं पा रहा हूँ मैं, उसका मैं जल्दी ही दूंगा। ओनली UPPSC जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, अगर आप UPPSC या फिर UPSSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थैंक यू। और एक बात और आपको बता दूं, UPGK के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई, आपको पूरा मिल जाएगा, ओनली UPPSC ज्वाइन करना सब वहीं पर मिलेगा, थैंक यू।